मोदी सरकार की वजह से विकलांग बनाओ। ये मेरा हाथ देखिए, दोनों हाथ दिखा रहे हैं ना। लेबर के बारे में कहाँ सोच रहे हैं, वो तो अपने अमीर के बारे में सोच रहे हैं। हमारी च्वाइस है, हम किसी के देंगे, बाकी मोदी को नहीं देंगे। मोदी खाली विदेशी का उत्ती करता है पैसे, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिली। जब हम लोग वोट देंगे नहीं तो सरकार जीतेगा कैसे? तो वोट देने ही नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मोदी सरकार ने। जो कानून की मांग करेगा, जो कानून का राज लेने की बात करेगा, उसके ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, आंसू गैस भी छोड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी करेंगे, उससे पीछे नहीं हटते। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान के इधर आगे की साइड हम मौजूद हैं इस वक्त। और आज जो हम आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस वाले दिन ही आज यहाँ पे अगर आप तस्वीरें देखें, यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग झंडे लेके खड़े हैं, और यहाँ पे पोस्टर पे लिखा हुआ है मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम। तमाम ये चीज़ें आपको झंडे और पोस्टर हाथ में दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक महिला जो है वो मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, अब मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि मजदूर विरोधी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? क्या कहना चाहते हो, मजदूर के का मजदूरी नहीं मिल रही है, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा, परेशान है सब। और क्या बोलूँ मैं, मजदूर विरोधी सरकार क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे मजदूरों के लिए हमने बहुत काम है, हम लोग मजदूरी करते हैं, मजदूर एकता रहते हैं, हम यूनियन वाले हैं, हम लोग एकता बन करके लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों का साथ देते हैं। लेकिन आज ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर इस तरीके से प्रदर्शन करना क्या दर्शा रहा है? हर साल हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं आप लोग, लेकिन इस बार जो है सरकार के विरोध में कर रहे हैं प्रदर्शन। हाँ, सरकार के विरोध में कर रहे हैं। मोदी कुछ कर ही नहीं रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? क्या तकलीफें हैं आपको? मोदी खाली विदेशी का उत्ती करता है पैसे, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भूखा मर जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। और कितना वेतन मिलता है? वेतन मिलता नहीं है, वेतन मिलता है 7,000 वेतन देते हैं, 6,000-7,000 वेतन से महीने का 7,000, उससे गुजारा हो जाता है? कुछ भी नहीं गुजारा होता, कुछ भी नहीं गुजारा, नहीं, बच्चों खर्चा चलाए कि अपना पेट भरे कि घर चलाए। तो मोदी ये क्यों कहता है कि हमने जनता के लिए इतना काम करा है कि जनता के लिए समर्पित हो गए हैं हम लोग, राशन वगैरह सब दे दिया है, जनता खुश है, राशन से 4 किलो राशन मिल जाएगा, उससे पेट भर जाएगा बच्चों का, और खर्चा नहीं चलेगा, और वो तो खर्चा जरूरी है रहना। अलग से फिर आप लोग खर्चा वगैरह कैसे चलाते जब 7,000 में गुजारा होता ही नहीं? जहाँ कंपनी में काम करने जाओ, काम पे मालिक निकाल देता है, काम ही नहीं मिलती है, अब कंपनी सारे बाहर चली जा रही है, अब कहाँ जाएगा लेडीज, कहाँ काम खोजेंगी? तो आखिरी रास्ता फिर क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? नजर आ रहा है कि जाओ अपना घर पे बैठो, घर पे बैठे, घर पे बैठ के काम हो जाएगा, बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई, घर कैसे चलेगा? पढ़ाई लिखाई, बच्चों को पालना पोसना, सब कुछ, बच्चों भविष्य देखना, कैसे होगा? तो मतलब लग रहा है कि इस बार अगर मोदी सरकार दोबारा आती है तो सब एकदम बर्बाद करके जाएंगे। करे कुछ करे गरीबों के लिए। वोट किसको देंगे इस बार आप, क्या लग रहा है? अब देखो जनता किसको वोट देती है, आप बताइए ना, आप भी तो जनता में ही आती है। जनता में तो आती हूँ, लेकिन जब वोट दिया जाएगा उसी आदमी को दिया जाएगा जो देश का सेवा करे, गरीबों का साथ दे, भूखा प्यासों के संघर्ष करे। अगर मोदी नहीं तो फिर देश की सेवा करने वाला कौन दिख रहा है आप? देश का सेवा करने वाला कौन है, कौन है आप बताइए? अभी तो किसी को अभी पता नहीं है, जब वोट आएगी, वोट जिताएगा, जनता जिताएगी, जनता हम ही लोग सरकार बनाते हैं, हम ही लोग सरकार को गिराते हैं। जब हम लोग वोट देंगे नहीं तो सरकार जीतेगा कैसे? तो वोट देने ही नहीं जाएंगे आप लोग? नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो किसको वोट देने वाली, क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि मोदी को तो आप कह रहे नहीं देंगे। अभी तो कुछ पता नहीं है किसको दूंगी किसको नहीं दूंगी, तो क्या बताऊँ पहले से। तो यहाँ पे देखिए पोस्टर लेके खड़े हैं कि पूंजीपति को झूठ, मजदूरों को झूठ नहीं चलेगा। इस तरीके से मोदी ने झूठ फैला रखा है कि मजदूरों के लिए काम कर रहा है, लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो कुछ नहीं करा है मजदूरों के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे मजदूरों के लिए, जो है मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं करा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मोदी सरकार ने। जो पुराने कानून थे मजदूरों के पक्ष में, उन कानूनों को ख़त्म करने की पूरी तरीके से इन लोगों ने तैयारी कर रखी है, जिससे मजदूर वर्ग का काफ़ी नुकसान होगा, और मजदूर वर्ग काफ़ी हताश और काफ़ी निराश है। कभी ये हमारे मीडिया भाइयों के ऊपर हमला करते हैं, उठा करके बंद कर दिया जाता है, कभी गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती है,
तो हम इनके सामंतवादी नीतियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे जो मजदूर वर्ग है वो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा निराश है। हम चाहते हैं कि मजदूरों को उनका हक मिल जाए, पुराने श्रम कानून जो है उनको सख्ती से लागू किया जाए। तो चाहते हैं कि पुराने श्रम कानून को सख्ती से लागू किया जाए। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है मोदी सरकार तक ये बात पहुँचेगी और वो कुछ हल निकालेंगे इस चीज़ का? मोदी सरकार तक बात पहुँचाने का एकमात्र माध्यम हमारे पास मीडिया है और ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई नेशनल मीडिया जो आज तक जो बड़े बड़े चैनल है वो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आप हर वर्ष प्रदर्शन करते हैं इसी चीज़ को लेके? नहीं, ये हमारा जगह निर्धारित नहीं, हम पहले इकट्ठा होते थे तो यहाँ से हमारा जुलूस बन के जाता था जंतर मंतर पे। ये लॉकडाउन से जो है हमारे ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये आप यहीं पे करो, या फिर कभी परमिशन मिलती भी है तो कहते नहीं है, परमिशन नहीं है। हमें काफ़ी तरीके से मतलब प्रताड़ित किया जाता है। तो मतलब परमिशन तक नहीं देते आप लोगों को प्रदर्शन करने तक? नहीं, दे भी देते हैं फिर बाद में कहते हैं कि वो रद्द हो गई। बाद में कहते हैं कि रद्द हो गई है, लेकिन उसके बाद आज आपको लग रहा है इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? कहीं आपको डिटेन ना कर लिया जाए, कहीं आपको उठा के ना ले जाए पुलिस वाले, कहीं रोक ना? मोदी सरकार ये तानाशाही है, ये पूंजीवादियों की सरकार है। जिस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा करके देश को बेचने का काम कर रही है, उसी तरीके से ये हमारे पक्ष में बोलने वाले जो सच्ची बात को बोलने वाले जो मीडिया, उनको भी उठा के ले जाते हैं, हमको भी उठा के ले जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई है तो होता चला आया, ऐसा होता रहा, ऐसा होता चला आ रहा है। जिसको जो भी प्रदर्शन करेगा भाजपा सरकार के खिलाफ उसको उठा के जेल में डाल। हाँ, जो कानून की बात, जो कानून की मांग करेगा, जो कानून का राज लेने की बात करेगा, उसके ऊपर लाठीचार्ज भी होगा, आंसू गैस भी छोड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी करेंगे, उससे पीछे नहीं हटते। यहाँ पे और भी शख्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे इनके पास हम चलते हैं, झंडा लेके खड़े हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो आज आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, आपको डर नहीं लग रहा है कि आपको उठा के ले जाएंगे अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे? हमारे को लेके जाएंगे ना तो उसको खिलाना पड़ेगा। आपको लेके जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा? हाँ, उनके वजह से ये डर, मेरे को डर नहीं है। मोदी सरकार की वजह से विकलांग बना हो। मोदी सरकार की वजह से विकलांग बने हैं? क्यों क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पे? मोदी सरकार के ऊपर इसलिए आरोप लगा रहा हूँ मैं कि उन्होंने हमारे को तो तनख्वाह तो मिलता नहीं उतना। 11,000 में आप लोग खा लीजिएगा 8 घंटे, बीवी बच्चे खा लेंगे, 2 बच्चे हैं मेरे, ये मेरा हाथ देखिए, दोनों हाथ दिखा रहे हैं ना मोदी सरकार के ऊपर। हमें ये चलते बोल रहे हैं 11,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, उसमें हम खा लेंगे भरपेट, 2 बच्चे खा लेंगे। 11,000 में घर नहीं चल पा रहा है तो फिर आगे क्या करते हैं? 11,000 में घर चलाना कितना मुश्किल है। उसने मेरे को मालिक ने काम पर से हटा दिया, करना था हटा दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं इस बात के लिए हम केस किए हैं लेबर कोर्ट में। मेरा सुनवाई चल रहा है, पता नहीं कब सुनवाई होगा कब नहीं होगा, तब तक मैं भूखे रहूंगा। मैं कितना टाइम हो चुका है केस करे? साल भर हो गया, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया। नहीं, ये मोदी सरकार कह रहा है, सीधा कह रहा है कि जो करना है करने दो किसी को। जो लेबर कोड हमारे बनता था इतने आदमी होते थे, बाकी अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा मेरे लिए। और रोजगार की सुविधा की तो है, कह रहे हैं कि हमने रोजगार दे दिया है 2 करोड़, हर वर्ग जो है वो खुश है। 2 रोजगार मेरे को मिल गया? कहाँ मिल गया बताइए ना। दिल्ली में केजरीवाल है, MCD से गया था मैं, बोला था विकलांग का मेरे को कोटा में से दे दीजिए, MCD मिलता है ना विकलांग, वो भी नहीं मिला मेरे को। कहाँ तक दौड़ूंगा मैं विकलांग बने हुआ मेरा 2 हाथ का ना 45% है, 2014 में बनवा रखा हूँ मैं, कहाँ मिल गया मेरे को। लेकिन मोदी जी पे इल्जाम क्यों लगा रहे कि उनकी वजह से विकलांग बने? उन्होंने तो क्या करा है, कुछ भी तो नहीं करा है। मोदी जी मेरे लेबर के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? वो तो अपने अमीर के बारे में सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? गरीबों को हम सबसे बड़ी जाति मानते हैं, उन्हीं के बारे में नहीं मानते हम। नहीं, मोदी सरकार को जानते हैं ना पहचानेंगे आज के बाद, हम सीधा लेबर एकता जानते हैं बस। तो अभी लोकसभा चुनाव का जो है माहौल चल रहा है, तो वोट किसको देने वाले हैं? हमारी च्वाइस है, हम किसी के देंगे, बाकी मोदी को नहीं देंगे। मोदी को नहीं देंगे तो दूसरा चेहरा प्रधानमंत्री के लिए कौन नजर आ रहा है? मेरे को सबसे अच्छा लगा है केजरीवाल। केजरीवाल मतलब इंडिया गठबंधन? हाँ, तो उनको वोट देंगे? हाँ, मैं उसी का वोट दूंगा। तो जेल में उनके ऊपर खुद आरोप लगे हुए हैं शराब घोटाले में फंसा है ना। देखिए, कौन नेता नहीं घूस खाता है, पहले ये बताइए हमारे को। सारे नेता तो घूस खाते ही है, पर इतना बड़ा आरोप लगाया आप ही के नेता केजरीवाल पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शराब घोटाला कुछ नहीं हुआ, उनके ऊपर इंजाम लगाया गया है। कहते हैं जब
चुनाव आता है ना तो सब कहते कि भाई ये नेता चोर है, ये नेता चोर है, ये नेता चोर है। बाकी ये नहीं कहते कि हम लोग सही है, सब कहते कि हम चोर है, इसके ऊपर फंसा दी कि हमें ये चोर है, फलना है, चिलना है। जब जब ये ठीक है तो यहाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने मजदूर वर्ग से भी बात करी, कह रहे हैं मेरे को विकलांग बनाने का काम ही मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार 7-8 हज़ार रुपए देती है, उसमें महीने में घर चलाना जो है बहुत ही मुश्किल है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के आने से हमें परमिशन मिलना तक मुश्किल हो चुकी है। परमिशन नहीं मिलते, अगर परमिशन दे भी देते हैं तो बाद में रद्द कर देते हैं। पहले जंतर मंतर इनका जो है ये पूरा मार्च जाता है, लेकिन अब इसके बाद जो है मोदी सरकार के आने के बाद बहुत तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। तो इस पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।